कल उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रतिष्ठा, और इसी शब्द को लेकर अब वहां पर राजनीति हो रही है। हाँ, नौकरी करने नहीं आया हूं, अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं। तुम मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है। सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली। खटाखट ने 27 में सपा चक के लिए तैयारी रखी। सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने उन तमाम सवालों का जवाब अपने अंदाज में दिया जिसका इंतजार किया जा रहा था। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेल लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। योगी ने विरोधियों को बता दिया कि सरकार सिर्फ पुराने तेवर के साथ नहीं चलेगी बल्कि पूरी ताकत से चलेगी। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं। योगी के इस बयान को लेकर सुबह सुबह अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अखिलेश ने लिखा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सवाल ये है, इनकी प्रतिष्ठा को ठेस किसने पहुंचाई? कह रहे हैं सामने वालों से, पर बता रहे हैं पीछे वालों को, कौन है पीछे? असल में पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा है कि यूपी सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अखिलेश उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों विधानसभा में शिवपाल यादव ने कह दिया था कि डिप्टी उन्हें गच्चा देंगे। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, और आपके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। अंदरूनी खींचतान की वजह से योगी की कुर्सी और सरकार के भविष्य को लेकर विपक्ष के नेता कई दिनों से सवाल उठा रहे हैं। कल योगी ने इसका जवाब भी दिया। मुझे लगता है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें। लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं, ये सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी, प्रदेश के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी, प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। विधानसभा में गुरुवार को योगी ने विपक्ष पर निशाना साधने के लिए ठग वाली कहानी सुनाई। मुझे आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की कथा याद आती है, आपने सुनी होगी। 4 ठग थे, एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं सर पर पाएंगे, तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं, और अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोले कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेके जा रहा है। उसको लगा कि भोला भला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही। उसने फेंक दिया उसको, चारों ठगों का काम पूरा हो गया, और चुनाव में खटाखट 1 लाख का बॉन्ड
एक लाख का बॉन्ड कहां गया आप? योगी के इस तेवर वाले भाषण की चर्चा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पॉलिटिकल कॉरिडोर में हो रही है। अब आगे बढ़ते हुए देखिए यूपी में कमल किस तरीके से कमजोर हुआ के, इसके बारे में जानकारी आपको दें। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और उसमें साफ तौर से जो आंकड़े आए उससे लगा कि कमल कमजोर हुआ के। इस बार यूपी में 80 लोकसभा की सीटें, आप ये जानते हैं, 37 सीट पर अकेले समाजवादी पार्टी की जीत हुई। बीजेपी को 33 सीट पर जीत हासिल हुई और समाजवादी पार्टी की सहयोगी कांग्रेस को 6 सीट मिली। इसके अलावा आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, जिसने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उसको 1 सीट हासिल हुई। अपना दल सोनेलाल को 1 सीट, आरएलडी को 2 सीट, माफ कीजिएगा, और अपना दल सोनेलाल को 1 सीट, आजाद समाज पार्टी को भी 1 सीट मिली और बीएसपी के खाते में एक भी सीट उत्तर प्रदेश की नहीं आई। और इस तरीके से सबसे बड़ी पार्टी जो बनकर उभरी वो समाजवादी पार्टी इस बार के चुनाव नतीजों में नजर आई। अखिलेश, बिल्कुल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।